नमस्त संस्कृत आय, संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण और हम लोग शुरू कर चुके हैं साहित्य दर्पण को पढ़ना। साहित्य दर्पण में आज हम लोग पढ़ेंगे रूपक के प्रकार। रूपक के तो वैसे 10 प्रकार हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये सवाल बहुत कॉमन है कि रूपक कितने प्रकार के होते हैं, रूपक के कितने भेद हैं या उपरूपक के कितने भेद हैं। तो जब भी आपसे उपरूपक पूछे तो 18 होते हैं और रूपक 10 होते हैं। 10 रूपक प्रसिद्ध है, एक 10 रूपक नाम का ग्रंथ भी है धनंजय और धनिक का, जिस ग्रंथ का नाम ही है दशरूपक, जिसमें दशों रूपकों की परिभाषा विशेष रूप से उन्होंने की है। 4 प्रकाश का ग्रंथ है, तो मैं उस 10 रूपक की बात नहीं कर रहा हूँ। साहित्य दर्पण में भी 10 रूपक बताए गए हैं जो धनंजय ने अपने 10 रूपक में नाटक प्रकरण भाण व्यायोग समवकार डिम ईहा मृग इत्यादि जो 10 रूपक हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो आज हम साहित्य दर्पण के 6वें परिच्छेद में 3री कारिका देखने चल रहे हैं। ये वहीं से स्कैन करके लगाया गया है। रूपकस्य भेदान आह, क्या लिखा? रूपकस्य भेदान आह, रूपक के भेद अब कहे जा रहे हैं, बोले जाएंगे। ठीक है, रूपकस्य भेदान आह, क्या रूपकस्य भेदान में क्या बोला गया? तो देखिए, ये यदि ये आपको याद हो जाए, यदि ये पंक्ति याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, याद होनी ही चाहिए। कम से कम 2 लाइन की कारिका है, ये आपको याद हो जाए। एक बार आप हमारे साथ पढ़ लीजिए, नाटकमथ प्रकरणम, नाटकमथ प्रकरण भाणव्यायोग समवकार डिमाः, भाणव्यायोग समवकार डिमाः, ईहा मृगांक वीथ्यः, ईहा मृगांक वीथ्यः, प्रहसनमिति रूपकाणि दश, प्रहसनमिति रूपकाणि दश। तो रूपकाणि कति, तो कति रूपकाणि पूछेगा, तो आपको 10 रूपकाणि, एक सवाल तो आपको यहीं से बनना है। रूपकाणि 10 रूपक होते हैं। अब वो कौन कौन है? तो देखिए, नाटक और नाटकम, फिर इसके बाद अथ, इसके बाद क्या है? बोले प्रकरणम, फिर भाण, फिर क्या है? व्यायोग, फिर क्या है? समवकार, फिर क्या है? डिम। तो ये देखिए, नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। पहली लाइन में 6 रूपक हो गए। और फिर है ईहा मृग, ये 7वां नंबर है ना। और फिर अंक, ये ईहा मृगांक में दीर्घ संधि हो गई ना जी। तो ईहा मृगांक में 2 चीज़ है, ईहा मृग और अंक अलग अलग हैं। और वीथी है वो, तो वीथी वीथ्य वीथ्या रूप चलेगा ना, क्योंकि ईहा मृगांक वीथ्या सब साथ में हो गया था, इसलिए बहुवचनांत का प्रयोग करना पड़ा। एक वचन में बोलेंगे तो वीथी बोलेंगे, ठीक है। तो ये 9वां हो गया। और प्रहसनम इति रूपकाणि दश, तो ये 10वां हो गया प्रहसन। तो नाटकम प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार दिम ईहा मृग अंक वीथी प्रहसनम इति रूपकाणि दश, ऐसे आप करेंगे। 10 रूपक होते हैं, कौन कौन तो आपने जान लिया। नाटकमथ प्रकरणम, नाटकमथ प्रकरणम भाणव्यायोग समवकार डिमाः, भाणव्यायोग समवकार डिमाः, ईहा मृगांक वीथ्यः, ईहा मृगांक वीथ्यः, प्रहसनमिति रूपकाणि दश, प्रहसनमिति रूपकाणि दश। यदि ये पंक्ति याद हो सके तो 2 बार 4 बार पढ़ करके याद कर लीजिएगा, जिंदगी भर काम देगी। प्रवक्ता की परीक्षा हो, चाहे UGC की परीक्षा हो, चाहे झारखंड की परीक्षा हो, चाहे उत्तराखंड की परीक्षा हो, दुनिया में कभी भी कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो रूपक कितने प्रकार के होते हैं ये सवाल पूछा ही जाता है ना शंकर जी। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन रूपक नहीं है, कौन रूपक नहीं है? तो लिख दीजिएगा भाई, इसे लिख दीजिएगा नाटक प्रकरण भाण और षट्टक। तो नाटक प्रकरण और भाण ये रूपक हैं और षट्टक उपरूपक है। तो ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं कि अच्छा कौन रूपक है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपक है, ऐसा पूछ ले। या ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन रूपक नहीं है, कौन रूपक नहीं है। तो भाई 3 ऐसा देगा, जैसे कोई सा भी दे देगा कि प्रकरण भाण समवकार, और फिर कह देगा त्रोटक। क्या कह देगा? त्रोटक। तो त्रोटक क्या है? त्रोटक 18 उपरूपकों में एक उपरूपक है। तो जब सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन रूपक नहीं है, तो उत्तर सही हो जाएगा त्रोटक उपरूपक है, रूपक नहीं है। जैसे कप्तान और उपकप्तान आप जानते हैं ना, और यदि उत्तर प्रदेश की धरती में है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी आप सुने होंगे। जैसे दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं और आपके माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे ही हमारे
जो शिक्षा मंत्री हैं आपके दिनेश शर्मा जी, ये उप मुख्यमंत्री हैं। तो उप वाला सिस्टम आप जानते होंगे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एक ज़माने में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, कप्तान और उप कप्तान, वैसे रूपक और उप रूपक, रूपक हैं 10। तो भाई जब एक आप देखिए अपने उत्तर प्रदेश की धरती में दो दो उप कप्तान हैं, आप ऐसे कहें तो दो उप मुख्यमंत्री हैं, तो जहां पर 10 रूपक हों वहां 18 उपरूपक हो गए तो कौन बड़ी बात है ना। उप वाले देखिए, अध्यक्ष एक होता है लेकिन उपाध्यक्ष 2, 3, 4, 5 होते हैं, बोलिए हाँ, ऐसे उप वाला जनरली ज़्यादा होता ही है। तो रूपक 10 हैं, तो उपरूपक माने थोड़े रूपकों से छोटे रूपक, जैसे कप्तान से छोटा कप्तान उप कप्तान होता है, जैसे मुख्यमंत्री से थोड़ा कम उप मुख्यमंत्री होता है, ऐसे रूपक से थोड़ा कम उप रूपक होता है। अब चूंकि कप्तान एक होता है, उप कप्तान 2-3 हो सकते हैं, मुख्यमंत्री एक हैं और 2-3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ऐसे ही जब रूपक 10 हैं तो 18 उपरूपक हो सकते हैं और हैं ही। अब दुर्भाग्य सिर्फ ये है कि हम लोग नाटिका के सिवाय और कुछ सट्टक, कर्पूर मंजरी सट्टक है और त्रोटक, ये 2-3 से परिचित हैं, लेकिन 18 उपरूपकों से परिचित हम लोग नहीं हैं, संस्कृत के विद्यार्थी या संस्कृत के शिक्षक छात्र ज़्यादातर लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं कहते कि कोई नहीं, धरती वीरों से खाली नहीं है, हो सकता है कोई लोग 18 उपरूपक भी पढ़े हों, जानते हों, पर दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो ये मेरी कमी है, ये हमारी आपकी कमी है कि भाई 18 उपरूपक नहीं पढ़े हैं, पर उपरूपक 18 हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि संस्कृत जगत में 18 प्रकार से हम उपरूपकों को प्रेजेंट कर सकते हैं। लोग सिर्फ यही कहते हैं हिंदी में कि नाटक चलो देखने। अरे चलो नाटक देखो, हमारे यहाँ प्रकरण देखो, चाहे भाण देखो, चाहे व्यायोग देखो, समवकार देखो, डिम देखो, ईहा मृग देखो, अंक देखो, प्रहसन देखो, 10 प्रकार से हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी बात को, और 10 का लक्षण अलग अलग है। हमारे पाठ्यक्रम में 10 प्रकार के रूपक और उपरूपक पढ़ाने आज आया हूँ, इसलिए रूपक की चर्चा कर चुका यहाँ पर। कभी कभी पढ़ने के लिए जो मैं पढ़ने के लिए जो आदमी शॉर्टकट तरीका अपनाता है उसकी भी मैं चर्चा आपसे कर दूँ। वैसे तो मैं आपसे बार बार कहूँगा कि ये मूल पंक्ति ही आपको याद हो, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है कि नाटक मत प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार डिमाह ईहा मृगांक वेथ्या प्रहसन मित रूपकाणी 10। ऐसा आप 2 बार 4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा कमज़ोर दिल के होते हैं, या कि लगता है कि यार नहीं पढ़ते बनता है, थोड़ा कोई शॉर्टकट तरीका बता दीजिए, तो एक सूत्र लिख लीजिए, ना प्रभाव्या, क्या है ना प्रभाव्या, हाँ ना प्रभाव्या, इस सूत्र है ना, पाणिनी का सूत्र नहीं, ऐसे बनाया हुआ आदमी रटने के लिए करता है, सम डिमीहा, क्या है ना प्रभाव्या सम डिमीहा, ना प्रभाव्या सम डिमीहा अंक प्रभवी, क्या है ये आपके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट हो सकता है, ना प्रभाव्या सम डिमीहा अंक प्रहवी, 2-3 बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, ना प्रभाव्या सम डिमीहा अंक प्रहवी। अब मेरे ख्याल से यदि आप इसको पढ़े हैं 2 बार 4 बार तो इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। जब सवाल पूछेगा कौन सा रूपक है, कौन सा उपरूपक है, या कौन रूपक नहीं है, कौन सा उपरूपक नहीं है, ऐसे जब सब सवाल आएंगे तो ना माने क्या हो गया, हाँ सही बोल रहे हैं, ना माने नाटक, हाँ तो ना माने नाटक, और प्र माने प्रकरण, बहुत सही, और भा माने भाण, भा माने भाण, और व्या माने व्यायोग, व्या माने व्यायोग, बहुत सही बोल रहे हैं, और सम माने समवकार, हाँ तो सम माने समवकार, और डिम आप जान ही रहे हैं, डिम माने डिम, डिम माने डिम, और डिम के बाद डिम और ईहा, तो डिम ईहा, ऐसा वैसे तो डिमेहा हो जाना चाहिए, आ ई मिल करके ए होना चाहिए, तो पर वो हाँ, पर वे हिंदी का सिस्टम है, आप ये ना सोचे कि डिम के माँ में आ है, आगे ई है, आ ई मिल करके गुण क्यों नहीं हुआ, यहाँ तो केवल पढ़ने के लिए है। तो ईहा का मतलब क्या हुआ, ईहा मृग, और यहाँ अंक तो अंक है ही है, और प्रह से प्रहसन, और वी से वीथी, ऐसे आप 10 रूपक पढ़ सकते हैं इस प्रकार से, ना प्रभाव्या सम डिमीहा अंक प्रहवी, ना प्रभाव्या, ना से नाटक, प्रा से प्रकरण, भा से भाण, व्या से व्यायोग, सम से समकार, डिम से डिम, और ईहा से ईहा मृग, अंक से अंक, प्रा से प्रासन, वी से वीथी, ऐसे एक लाइन में आप ना प्रभाव्या सम डिमीहा अंक प्रहवी, बोलो भैया
ना प्रभाव्या समडिमीहा अंक प्रहवी। इससे 10 प्रकार के रूपकों को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो मित्रों, ये रहा आपके लिए 10 प्रकार के रूपक और इनसे जुड़े हुए सवाल के रूपक। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी चर्चा उपरूपकों पर भी कर लूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा वो काम आसान हो जाए। इसके आगे है, कर लेंगे ना इसको, नाटक प्रकरण भाण व्यायोग समवकार डिम इहा मृग अंक वीथी और प्रहसन। अब ये छठवां परिच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं किंच, और 18 प्रकार के रूपकों की चर्चा करें कि नाटिका त्रोटकम गोष्ठी। बोले नाटिका त्रोटकम गोष्ठी, नाटिका त्रोटकम गोष्ठी, नाटिका त्रोटकम गोष्ठी, सत्यकम नाट्यरासकम, सत्यकम नाट्यरासकम, प्रस्थानोल्लाप्य काव्यानि, प्रस्थानोल्लाप्य काव्यानि, प्रेंखणम रासकं तथा, प्रेंखणम रासकं तथा, संलापकं श्रीगदितम, संलापकं श्रीगदितम, शिल्पकञ्च विलासिका, शिल्पकञ्च विलासिका, दुर्मल्लिका प्रकरणी, दुर्मल्लिका प्रकरणी, हल्लीशो भाणिकेति च, हल्लीशो भाणिकेति च, अष्टादश प्राहुः, अष्टादश उपरोपकाणि मनीषिणः, उपरोपकाणि मनीषिणः, विना विशेषं सर्वेषां, विना विशेषं सर्वेषां, लक्ष्मणाटकवन्मतम्, लक्ष्मणाटकवन्मतम्। हाँ, तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़े रहिएगा, ये आपके काम देगा भविष्य में। वैसे तो देखिए, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, विश्वनाथ ने इतना बढ़िया ये 18 उपरूपक को 1, 2 और 3 श्लोकों में कर दिया। अनुष्टुप छंद है, आपसे पढ़ते बन जाएगा। सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसको 2-4 बार पढ़ लें, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। सब कुछ गिनाया ही गया, इसमें पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं। नाटिका 18 प्रकार के उपरूपक हैं, तो आप देखिए, 1 त्रोटक हो गया, 2 गोष्ठी हो गया, 3 सट्टक, 4 नाट्यरासक हो गया, 5 प्रस्थान हो गया, 6 उल्लाप्य हो गया, 7 और काव्य हो गया 8, प्रेंखण हो गया 9, रासक हो गया 10, संलापक हो गया 11, श्रीगदित हो गया 12 और शिल्पक हो गया 13, विलासिका हो गया 14 और दुर्मल्लिका हो गया 15, प्रकरणी हो गया 16, हल्लीस हो गया 17 और भाणिका हो गया 18। ये 18 उपरूपक गिनाए हैं, इनमें सब नाम है। और देखिए उनकी कवित्व प्रतिभा कि सब कुछ 18 रूपक को अनुष्टुप छंद के 8-8 चरणों में कितना अच्छे से बांटा है। तो इससे बढ़िया शॉर्टकट तरीका तो कुछ हो नहीं सकता। आप ये पूछें कि सर बताइए, 18 उपरूपकों को कविता बना दी गई, काव्य बना दिया गया, अनुष्टुप छंद बना करके आपको दे दिया गया, अब इससे आसान तरीका इन 18 और फिर लिख दिया गया अष्टादश प्राहु, 18 कहे गए हैं उपरूपकाणि मनीषिणा, विद्वानों के द्वारा 18 उपरूपक कहे गए हैं, और विना विशेषम सर्वेशम, सर्वेशम सर्वेशम लक्ष्म, जो लक्षण है वो नाटकवत, सबका लक्षण नाटक की तरह। अब नाटक का लक्षण मैं आपको कल बता दूंगा तो आप समझ जाइएगा। सर्वेशम, नाटिका त्रोटक गोष्ठी सट्टक इत्यादि में जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे अंकों में विभाजन होगा, नायक होगा, नायिका होगी, कैसे बाकी लिखा है, बिना विशेषम, कुछ विशेष को छोड़ करके। अब भाई हम में सब में विशेष तो होगा ना, नाटिका नाटक से कुछ तो अलग होगी, तो उसका विशेष है। भाणिका कुछ तो नाटिका से अलग होगी, अंक कुछ तो बीथी से अलग होगा, समवकार कुछ तो अलग होगा। तो सर्वेशम का क्या मतलब है, यहाँ सर्वेशम का क्या मतलब है बताया, तो लिखा सर्वेशम मतलब प्रकरणादि रूपकाणाम और नाटिका द्युपरूपकाणाम च, यानी प्रकरण इत्यादि जो 10 रूपक बताए गए और नाटिका इत्यादि जो 18 उपरूपक बताए गए, उन सब का लक्षण नाटक की तरह है, कुछ विशेष स्थानों को छोड़कर। अब बात क्लियर हो गई। ये कह रहे हैं कि भाई बिना विशेषम सर्वेशम लक्ष्म नाटकवन मतम, लक्ष्म माने लक्षण, सर्वेशम लक्षणम नाटकवत, सभी का लक्षण नाटक की तरह है। कामन लक्षण जो है, जैसे मान लो किसी मनुष्य का सामान्य लक्षण क्या है भाई, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आँख होंगी, 2 कान होंगे, नाक होगा, दांत होंगे, ये सामान्य लक्षण है। अब लेकिन इस सामान्य लक्षण के बाद भी हर मनुष्य से कुछ विशिष्टताओं के कारण अलग है। 2 आँख होते हुए भी, 2 कान होते हुए भी, नाक मतलब एक ही रहेगा, तो ऐसा नहीं कि भाई
हमारे एक नाक है, नाक में दो छेद रहेंगे लेकिन नाक एक ही रहेगी। दांत आपके जनरली सामान्य होंगे, सबके दांत सफ़ेद ही होते हैं। भगवान ऐसा नहीं किया कि कुछ लोगों का दांत काला कर दे, कुछ लोगों का लाल कर दे, कुछ का पीला कर दे, कुछ को भगवान तीन आँखें दे दे, कुछ को दो दे दे, कुछ को एक दे दे, कुछ को चार दे दे, कुछ को पीछे भी आँखें लगा दे। बहुत बार जब आदमी लड़ भिड़ जाता है कहीं कहीं तो कहता है कि यार साले देख के नहीं चलते क्या? अरे भाई पीछे थोड़ी उसकी आँखें लगी हैं, तुम्हारे पीछे आँखें लगी है क्या? बहुत बार ऐसा होता है। तो ये नाटक वन सर्वेशम नाटक वन को मैं पढ़ा रहा हूँ कि कैसे 18 उपरूपक और 10 रूपक को विश्वनाथ कहते हैं साहित्य दर्पण में कि ये सब लक्षण की नाटक की तरह सबका लक्षण है। तो क्या सबका लक्षण? भाई मनुष्यता, जो मानवता है, जो मानव के अंग प्रत्यंग है, 5 अंगुलियाँ होती हैं, यहाँ भी 5 अंगुलियाँ होती हैं, सबके कलाई होती है, 2 हाथ 2 पैर, पेट पीठ सिल बाल, ये सब चीज़ें कॉमन हैं। तो वो कुछ चीज़ें नाटिका में, प्रकरण में, वो भाण में, व्यायोग में, समवकार में, डिम में, षटक में, त्रोटक में, रासक में, प्रेंखण में, कुछ चीज़ें कॉमन हैं। जैसे मानवों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, इसके बाद भी प्रत्येक मानव से अलग है। इसीलिए देखिए, जब आपकी आँख की पुतली की फ़ोटो खींचता है वो आधार कार्ड बनाते समय, वो सिर्फ आपकी आँखों की फ़ोटो आप ही से मिलती है। अंगूठा क्यों बैंक वाले लगवाते हैं? पढ़े लिखे वालों से जब खाता खुलवाते हैं तो अंगूठा लगवाते हैं, साइन भी करवाते हैं, क्योंकि आपके अंगूठे की जो रेखाएं हैं वो आपके समान फिर दुनिया में और किसी की नहीं मिलेंगी। इसीलिए हर आदमी 2 आँख वाला होता हुआ, 2 पैर वाला होता हुआ, 2 हाथ वाला होता हुआ, पेट पीठ एक होता हुआ भी सबसे अलग है। ऐसे नाटक प्रकरण भाण व्यायोग में सामान्य लक्षण सबका नाटक की तरह है, लेकिन बिना विशेषम सर्वेशम लिखा कि कुछ कुछ विशेषता सब में अलग है। यदि सब कुछ नाटक की ही तरह हो जाता तो फिर नाटक ही एक प्रकार हो जाता, 10 रूपक बताने की क्या जरूरत थी? यानी सब में कुछ कुछ विशिष्टता है, सब में कुछ कुछ अलगाव है, इसीलिए नाटक प्रकरण से अलग है, इसीलिए भाण नाटक से अलग है, अपनी कुछ विशिष्टताओं के कारण अलग है। समझ में आया? तो यह बात थी आपकी कि 18 प्रकार के ये उपरूपक हैं, 18 प्रकार के उपरूपक हैं। उपरूपक क्यों है ये भी मैंने आपसे बता दिया। उप कप्तान की तरह, उप मुख्यमंत्री की तरह, उप प्रधानमंत्री की तरह, उप प्रधान की तरह, ये सारी चीज़ें। उप का मतलब प्रधान ना रहे तो उप वाला देख ले। हाँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कॉन्सेप्ट आप सब जानते हैं, वैसे हमारे यहाँ रूपक और उपरूपक का कॉन्सेप्ट है। रूपक 10 होते हैं, उपरूपक 18 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको देखिए, हमारे यहाँ माने हमारे यहाँ जब मैं बोलता हूँ तो मतलब संस्कृत में, हमारे यहाँ का मतलब क्या लिया जाए? संस्कृत में। अंग्रेजी में आप देखेंगे कि क्या आप किसी भी भाषा को मैं चैलेंज करता हूँ, अब आप ये ना कहिए कि सर आप फ्रेंच जानते हैं क्या, हम नहीं जानते तो भी चैलेंज करते हैं, क्या 18 और 10 28 प्रकार से आप दृश्य काव्य को दिखा सकते हैं क्या? 28 प्रकार से हम दृश्य काव्य को दिखा सकते हैं। ये संस्कृत भाषा की अपनी खास खूबी है। नाटिका भाणिका नहीं है, नाटिका त्रोटक नहीं है, त्रोटक गोष्ठी नहीं है, गोष्ठी षटक नहीं है, षटक नाट्य रासक नहीं है, प्रस्थान अलग है, उल्लाप्य अलग है, काव्य अलग है, प्रेंखण और रासक सब अलग हैं। 18 प्रकार से हम प्रेजेंट कर सकते हैं दृश्य काव्य को, ये तो उपरूपक हैं, और 10 प्रकार से हम रूपक को प्रेजेंट कर सकते हैं, कुल मिला के 28 प्रकार से हम मंच में मंचन कर सकते हैं। 28 टाइप ऑफ एक्टिंग, माने एक्टिंग, जैसे लोग कहते हैं चलो पिक्चर देखने चलें, फीचर फिल्म बनाओगे, ये टाइप ऑफ वन है कि आप फीचर फिल्म बनाते हो, हम तो 28 प्रकार की फिल्में आपको दिखा सकते हैं। अब आप ये कहें सर कि मंच पर आकर के कैमरे के सामने बोलना बड़ा आसान है, बिल्कुल सही करें, मंच पर आकर के कैमरे के सामने बोलना बड़ा आसान है, करके दिखाना, इसीलिए हम करके दिखाने पर विश्वास करते हैं, और इसीलिए हमारी जो टीम है अंडर 40 की, सब युवा लोगों की टीम, हम चाहते हैं कि भाण पढ़ाया ना जाए, भाण दिखाया जाए, त्रोटक क्या है ये बताया जाए, समझाया जाए, केवल लक्षण पर कर छोड़ा ना जाए, बल्कि उस बताया जाए कि त्रोटक क्या होता है, करके दिखाया जाए, प्रेंखण क्या होता है, नाटिका विलासिका क्या होती है, भाणिका क्या होती है, हल्लेश क्या होता है, प्रकरणी क्या होता है। यदि भगवान ने जिंदा रखा तो निश्चित रूप से आप मंच पर देख पाओगे, यूट्यूब के माध्यम से देख पाओगे कि उन लक्षणों के आधार पर भाण का जो लक्षण, एक दो भाण आपको दिया गया है, भाण का जो लक्षण है कि एक पात्र होना चाहिए, वही संवाद करता है, आकाश भाषित करता है, इसके बाद अपनी बात को प्रेजेंट करता है। तो नाटक भी आप देखेंगे, प्रकरण भी आप देखेंगे, भाण भी देखेंगे, व्यायोग भी देखेंगे, समवकार डिम इहामृग, ऐसा मैं आपसे वचन देता हूँ। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, अपनी समृद्धि पर गौरवान्वित हो लीजिए कि 28 प्रकार से हम दृश्य काव्य का मंचन कर सकते हैं, जो हमारे साहित्य शास्त्रों में वर्णित है। तो मित्रों, आज की कक्षा में मैं आपको ये बताने आया था कि 10 प्रकार के रूपक और 18 प्रकार के उपरूपक। अब रही बात इनको
थोड़ा व्यवस्थित करने की, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। वैसे तो ये बेहतर होगा कि आप तीनों श्लोक रट लें। सर्वेशम का मतलब पूछेगा प्रकरणादि रूपकाणम, जो प्रकरणादि 10 रूपक हैं, और नाटिकादि उपरूपकाणम, नाटिका इत्यादि जो 18 उपरूपक हैं, दिख रहा है ना ये। सर्वेशम प्रकरणादि रूपकाणम नाटिकादि उपरूपकाणम च, सबका लक्षण नाटक की तरह होता है, बस बिना विशेषम, कुछ विशेष स्थानों को छोड़कर। तो विशेष स्थान जब सबका हम लक्षण पढ़ेंगे तो बताएंगे। अब इसमें से आप कुछ चीज़ें ना अलग कर सकते हैं, जैसे नाटिका में आकारांत है, ये थोड़ा अलग टाइप का है ना। नाटिका हो गया, बिलासिका हो गया, भाणिका हो गया, क्यों सर, हाँ दुर्मल्लिका हो गया, ये इनको आप एक साथ लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो 18 प्रकार के रूपक इसमें गिनाए गए जिस तरह से उसी तरह से आप कहें। तो नाटिका, विलासिका, भाणिका, दुर्मल्लिका को साथ में पढ़ लेंगे, थोड़ा आसानी होगी कि भाई इस प्रकार का। फिर जैसे त्रोटकम हो गया, सट्टकम हो गया, नाट्यरासकम हो गया, संलापकम हो गया, श्री गदितम हो गया, शिल्पकम हो गया, प्रेंखणम हो गया, रासकम हो गया, इनको आप एक साथ पढ़ लेंगे। फिर जैसे गोष्ठी है, इसके साथ आप प्रकरणी को पढ़ लीजिए, गोष्ठी प्रकरणी, गोष्ठी प्रकरणी। अब जैसे प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, फल्लीश, ये थोड़ा एक टाइप का है, तो इनको ऐसे पढ़ सकते हैं। माने इनको थोड़ा डिवाइडेशन कर लीजिए कि हम नाटिका, विलासिका, दुर्मल्लिका, भाणिका एक साथ पढ़ लीजिए, और प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, हल्लीश इनको एक साथ पढ़ लीजिए। प्रकरणी, गोष्ठी दोनों ईकारांत है, थोड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा। प्रकरणी में भी दीर्घ ई है, गोष्ठी में भी दीर्घ ई है, प्रकरणी गोष्ठी पढ़ लीजिए। और बाकी त्रोटकम, सट्टकम, नाट्यरासकम, प्रेंखणम, रासकम, संलापकम, श्रीगदितम, शिल्पकम इत्यादि को एक साथ पढ़ लीजिए। तो कैसे भी आपको याद हो जाए, जरूरी भी नहीं कि 18 याद हों, इतनी बार पढ़ लीजिए कि परीक्षा में पूछ ले कि हल्लीश क्या है, तो आप लिख दें उपरूपक है। पूछे व्हाट इज भाणिका, भाणिका किम अस्ति, ये भाणिका कस्मिन अंतर्गत है, या कस्याम परिगणिता भवति, तो भाणिका को आप उपरूपक के अंतर्गत गिना जाता है, ऐसा बोल लें। तो दो बार चार बार पढ़ लेंगे ना, नाटिका, त्रोटकम, गोष्ठी, सट्टकम, नाट्यरासकम, प्रस्थानोल्लाप्यकाव्यानि, प्रेंखणम, रासकम तथा संलापकम, श्रीगदितम, शिल्पकंच, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीशो, भाणिकेत च, अष्टादश प्राहुरूपकाणि मनीषिणा, बिना विशेषम, सर्वेषां लक्ष्मण नाटक वनमतम। तो ये कायदे से दो ही श्लोक में सब कुछ आ जाता है, श्याम किशोर जी, दो ही श्लोक में सब आ जाता है। हाँ, 18 नाम। अब इससे सस्ता और क्या हो सकता है, इससे सरल और क्या हो सकता है। दो श्लोक भी यदि आप अनुष्टुप का नहीं रट सकते हैं तो बेहतर होगा कि अभी कुछ दिन मास्टर ना बने तो अच्छा है। अब ये बातें मैं कहता हूँ तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए भाई, 18 उपरूपक का नाम, जो आदमी जीआरएफ होने जा रहा है, या जो आदमी उत्तराखंड में प्रवक्ता होने जा रहा है, या उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता होने जा रहा है, या हायर में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा की कोशिश कर रहा है, नेट पास होना चाहता है, जेआरएफ पास होना चाहता है, तो क्या 10 रूपकों का नाम नहीं याद कर सकता, करना चाहिए। और 10 रूपक का नाम भी नहीं याद है तो बेहतर है कि अभी मास्टर ना ही बने तो अच्छा है। 18 उपरूपकों को पढ़ने के लिए यदि दो श्लोक भी नहीं पढ़ सकता है तो बेहतर है कि अभी थोड़ा वेट करें। तो मित्रों, बुरा मत मानिएगा, बुरा मान भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, अभी तो हम कैमरे के पीछे हैं, आप भी अपने घर से ही देख रहे हैं, पर बेहतर यही होगा कि इन दो श्लोकों को हम पढ़ लें। नाटिका त्रोटकम गोष्ठी, नाटिका त्रोटकम गोष्ठी, नाटिका त्रोटकम गोष्ठी, सट्टकम नाट्यरासकम, सट्टकम नाट्यरासकम, प्रस्थानोल्लाप्य काव्यानि, प्रस्थानोल्लाप्य काव्यानि, प्रेंखणम रासकम तथा, प्रेंखणम रासकम तथा, संलापकम श्रीगदितम, संलापकम श्री शिल्पकंच विलासिका, शिल्पकंच विलासिका, दुर्मल्लिका प्रकरणे, दुर्मल्लिका प्रकरणे, हल्लीशो भाणिकेति च, हल्लीशो भाणिकेति च। इतने दो श्लोकों में ही 18 प्रकार के उपरूपक आ गए, चाहे तो आप नीचे वाला छोड़ दें, चूंकि आपको 18 उपरूपक याद हैं। अष्टादश प्राहु, अष्टादश प्राहु, उपरूपकाणि मनीषिणः, उपरूपकाणि मनीषिणः, विना विशेषं सर्वेषां, विना विशेषं सर्वेषां, लक्ष्मणाटकवन्मतम्, लक्ष्मणाटकवन्मतम्। सबका अर्थ भी आपको समझ, इनका अर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब तो नाम है। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाटरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेंखण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीस और भाणिका। ये 18 रूपक, 18, संस्कृत में 18 को अष्टादश कहते हैं, 18 प्राहु माने कहा गया है, उपरूपकाणी 18 कहे गए हैं, मनीषिणा माने मनीषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। तो मनीषिणा
अष्टादश उपरूपकाणि प्राहु। विद्वानों ने 18 प्रकार के उपरूपक कहे हैं जो ऊपर की लाइन में बता दिए गए। और बिना विशेषम सर्वेशम, सर्वेशम उपरूपकाणाम और सर्वेशम रूपकाणाम, कुछ विशेष को छोड़ करके, बिना माने विदाउट, कुछ विशेष विशेष चीज़ों को छोड़ करके बाकी लक्ष्य में उनका नाटक वन, नाटक की तरह बाकी सब कुछ होता है। ये चीज़ें आपने पढ़ ली, मुझे लगा होगा कि आपको अच्छा लगा होगा। उपरूपक के भेद कितने, उपरूपक कितने हैं ये सवाल पूछ लेगा तो 18 लिखेगा, रूपक कितने प्रकार के हैं तो 10 लिखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रूपक नहीं है तो 10 रूपक आप जाने रहेंगे तो जो चौथा 10 रूपकों में जिसकी गिनती नहीं है उसमें सही लगा देना है। उपरूपक निम्नलिखित में से कौन उपरूपक है ऐसा सवाल पूछ सकता है, कौन सा उपरूपक नहीं है ऐसा सवाल पूछ सकता है, हाँ मिलान करवा सकता है, हाँ आजकल मिलाने का ट्रेंड चल रहा है, हमारे यहाँ भी मिलाने का ट्रेंड हो रहा है, लड़का को लड़की से मिलाया जा रहा है, लड़की को लड़के से मिलाया जा रहा है, तो सुमेलित वाला भी बहुत चलता है। और सुमेलित वाला सवाल ये कहता है कि भाई कौन लड़का किस लड़की से, अब होना भी चाहिए। तो हमारे यहाँ एक 16 तारीख को LT में पास हुआ है, वो भी खाली है अभी, और बहुत सारे लोग अभी महेश भैया का हुआ है प्राइमरी में भी और TGT में भी अच्छा है। तो जो जो लोग हैं हम तो आजकल मिलाने का भी काम करते हैं, संस्कृत वाली हो तो ठीक है, संस्कृत वाला हो तो भी ठीक है। तो आप इसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं कि आप अपनी अब एक shaadi.com भी खोजना है, sanskritganga.shaadi.com, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि संस्कृत का ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, परिणय गंगा, विवाह गंगा खोलेंगे, विवाह गंगा जिसमें केवल शादी का काम करेंगे और वो भी एकदम क्या विदाउट दहेज, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए, संस्कृत का व्यक्ति होना चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि हम संस्कृत का कार्य करेंगे तभी, अन्यथा जाओ अपन अपन ब्याह करो लेव दहेज। तो ये रहा मित्रों आज मेरी ओर से आपके लिए 10 रूपक और 18 प्रकार के उपरूपक। ये सिलेबस UGC NET JRF के 25 कोड में भी है, 73 कोड में भी है, हमारे प्रवक्ता में भी है, UP प्रवक्ता में, और उत्तराखंड में जो अभी आई है प्रवक्ता की वैकेंसी उसमें भी ये पाठ्यक्रम में है, असिस्टेंट के भी पाठ्यक्रम में है, हायर एजुकेशन में है। तो मेरे ख्याल से ये सभी के लिए उपयोगी होगा TGT को छोड़कर, और क्या पता कभी कभी इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। और जनरल नॉलेज का सवाल है कि रूपक कितने, कहीं भी पूछ सकता है, भले ही आपके पाठ्यक्रम में हो और चाहे ना हो। संस्कृत साहित्य का इतिहास यदि पाठ्यक्रम में है तो ये सवाल सामान्य हो जाएगा कि रूपक कितने हैं और उपरूपक कितने हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप सब पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस हैं और हम पर विश्वास जताते हैं, इसके लिए आप सबको तहे दिल से हृदय से बहुत बहुत आभार। और कल फिर हम इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।